खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिरोजपुर झिरका से दो समुदायों के बीच तनातनी का माहौल सामने आया है, जहां पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि एक मुस्लिम समुदाय के युवक ने एक लड़की को बहला फुसलाकर भगा लिया है। ऐसे में जो शहर का जो माहौल है वो काफी तनावपूर्ण हो गया है। हमारे साथ है मेवात विधानसभा से लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवार राजू सैनी, उनसे जानते हैं क्या कुछ कहना है इनका इस सब मुद्दे पर। सर स्वागत है आपका। सर ये जो अभी खबर आई है फिरोजपुर झिरका से, जहां पे एक मुस्लिम जो समुदाय का जो एक युवक है उसने एक हिंदू समुदाय की लड़की को अपने साथ भगा लिया, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ऐसा है, दो समुदायों के बीच के आत्मसम्मान की बात है। जहां तक लड़की को भगाने का, बहलाने फुसलाने का जो मामला है, इसके बारे में अभी कोई भी ऐसी बात क्लियर नहीं है कि भी भगाया है, बहलाया है या फुसलाया है। लेकिन मैं ये कहूँगा, जिस तरीके से इस सारे मामले में यहाँ के स्थानीय नेताओं ने जो इस माहौल को ख़राब करने की कोशिश करी है फिरोजपुर झिरका के अंदर, यहाँ जिस तरीके से पब्लिक को इकट्ठा किया गया, रोड जाम किए गए, फिर पुलिस प्रशासन ने रोड को खुलवाने के लिए जो अपनी कार्रवाई करनी थी लोगों को हटाने के लिए वो उन्होंने करी, उसी एवज में फिर पब्लिक ने जो है पथराव कर दिया। तो ये यहाँ के जो नेता हैं, पहले तो वो टिकट की लड़ाई लड़ते रहे, बाद में उनको पता लगा कि इस तरह का एक मैटर है, उसमें वो कूद पड़े सभी नेता। तो आपका कहना है कि जो राजनीतिक पार्टियां ये अपनी रोटियां सेक रही हैं, ये अपनी रोटियां ही सेक रहे हैं, इससे ज्यादा तो और क्या कहेंगे। ये रोटियां सेकने वाली बात है, पब्लिक को इकट्ठा करके हाईवे रोड जाम करा देना, कानून व्यवस्था को खराब करा देना, कानून को अपने हाथ में ले लेना, और क्या है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। ये साफ नजर आ रहा है, जनता भी देख रही है। आपकी क्या मांगे, आप कुछ क्या चाहते हैं, आपकी पार्टी कैसे इस मुद्दे को देख रही है? देखिए ये कोई मुद्दा थोड़ी ना है, मुद्दा होता है क्षेत्र के विकास का, ये कोई मुद्दा है? ये क्या मुद्दा है, इसको मुद्दा बना, ये तो मुद्दा बना रहे हैं जो वहाँ के स्थानीय लीडर है वो मुद्दा बना रहे हैं, ये कोई मुद्दा है कि लड़की को बहला ले गए, पुछड़ा ले गए, ये क्या मुद्दा है? ये देखो दो समुदाय के बीच की बात थी, इस मसले को दोनों समुदायों के बीच में बैठ करके सुलझाया भी जा सकता था, लेकिन उसमें आग में घी डालने जैसा काम कर दिया, लोगों को मरवाने तक का काम कर दिया स्थानीय नेताओं ने। जिस तरीके से पथराव किया गया, जिस तरीके से आगजनी तक की जो है नौबत आ गई। तो आप क्या चाहते हैं, आपके क्या राय इस चीज को लेके? देखिए मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, सबसे पहली बात तो क्षेत्र के अंदर यहाँ पे शिक्षा का स्तर जो है बिल्कुल डाउन है, जीरो है। शिक्षा का स्तर जो है वो डाउन होने की वजह से क्षेत्र के अंदर, ये कोई नई बात नहीं है, इस तरह की घटना तो आए दिन तकरीबन होती रहती है, कभी महीने में, छः महीने में, साल में आपको जरूर देखने को मिल जाएंगी, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहा है विधानसभा का, जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आता जा रहा है, इनको तो स्थानीय नेताओं को तो मुद्दे चाहिए किसी भी चीज़ का, किसी के समुदाय के बीच में कोई बात हुई है, लोगों के घर की कोई पर्सनल बात है उसको भी सड़क पे उठा के लेके आते हैं। तो दो समुदायों के बीच की बात थी ये, इसको बैठ के भी बातचीत करी जा सकती थी, लेकिन उस मसले को नहीं, इन्होंने तो अपनी टिकट पक्की करनी है, अपनी साख बनाने के लिए ऐसा करना, और क्या करना है इन्होंने, यही काम करना। आप आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे क्षेत्र में शांति बनी रहे? देखिए मैं अपने क्षेत्रवासियों को, मेवात के क्षेत्रवासियों को, सभी हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की खबरों पे ध्यान ना दें, नेताओं के झांसे में ना आएं। नेता जिस तरीके से आप लोगों का जो है मिसयूज करते हैं उसको आप सिरे से खारिज करें, उनकी अनदेखी करें और आपस में तालमेल बना के रखें, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बना के रखें। जो लोग हिंदू मुस्लिम जाति धर्म के नाम पे रोटियां सेक रहे हैं अपनी, उन लोगों से दूर रहें, उन नेताओं से दूर रहें। शुक्रिया सर आपका। तो ये थे राजू सैनी जी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवार, जिनका कहना है कि ये सिर्फ नेताओं की आपसी मतलब रोटी सेकने की बात है, ये सिर्फ अपना पलटा भारी कर रहे हैं, दोनों समुदाय के लोगों को आपसी तालमेल बिठाना चाहिए और क्षेत्र में शांति बना के रखनी चाहिए। बाकी ये तो अब देखने वाली बात है, जो पुलिस
प्रशासन जो है वो ढूंढ रही है इन दोनों व्यक्तियों को, उसके बाद ही पता चलेगा कि आगे की कार्रवाई कैसे की जाएगी। मैं संध्या द्विवेदी, के9 मीडिया के लिए गुरुग्राम।